तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो कैसे अपने लो एंड पीसी में फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स गेम को डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको जो एक बेस्ट एंड्रॉइड एमुलेटर बताने वाला हूँ जिसको आप अपने 4GB या फिर 8GB रैम वाले पीसी और i3 प्रोसेसर में इजिली प्ले कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो कम्प्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगा, तो आप जो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। सो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो यहाँ पर एमुलेटर को डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना। नाउ ओपन कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर सर्च करना है MSI एमुलेटर। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो ये फर्स्ट वाली साइट मिल जाएगी MSI की, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। तो आप यहाँ पर MSI की वेबसाइट पर आ जाओगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ से जो एमुलेटर को डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर जो ये इसकी एक्से फाइल आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो एमुलेटर को इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो एक जिप फाइल होगी, तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो इसे अनजिप कर लेना है। तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। नाउ आफ्टर एक्सट्रैक्शन यहाँ पर जो ये MSI का एक शॉर्टकट आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एमुलेटर को इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर जैसे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करोगे, तो ये जो बाय डिफॉल्ट आपके लोकल ड्राइव से इंस्टॉल होने लग जाएगा। एंड अगर आप इसे और किसी फाइल लोकेशन या फिर ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर एक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करना ना, उसके बाद यहाँ पर आपको एक फाइल लोकेशन मिल जाएगा। आप जो यहाँ से फाइल लोकेशन चेंज कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं जो यहाँ पर इसे सी ड्राइव में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर जो एमुलेटर इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो अब आप यहाँ पर वेट कर लेना, यहाँ पर जो एमुलेटर इंस्टॉल हो रहा है। एंड जैसे ही एमुलेटर इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये एमुलेटर लॉन्च हो जाएगा। एंड जैसे ही एमुलेटर ओपन होगा, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर ये एमुलेटर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो यहाँ पर इस पर क्लिक करना, तो यहाँ पर जो ये एमुलेटर ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एमुलेटर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको जो यहाँ पर एमुलेटर की सेटिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ से सेटिंग को ओपन कर लेना। नाउ यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको मिलेगा सीपीयू कोर का ऑप्शन। तो अब अगर आपके पीसी में 2 कोर है, तो आप यहाँ पर 1 कोर सेलेक्ट करना एंड 4 कोर है, तो आप यहाँ पर 2 कोर सेलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद रैम में आपके पीसी में अगर 8GB रैम है, तो आप यहाँ पर 4GB रैम सेलेक्ट कर लेना एंड 4GB रैम है, तो आप यहाँ पर 2GB रैम सेलेक्ट कर लेना। नाउ परफॉर्मेंस मोड में आपको इसे जो बैलेंस पर कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर इनेबल हाई फ्रेम रेट पर क्लिक करके आपको जो इसे 240 FPS तक को इनेबल कर लेना है। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सेट चेंजेस पर क्लिक करना है और यहाँ से रिस्टार्ट नाउ कर लेना है, ताकि यहाँ पर जो है सेटिंग अप्लाई हो जाए। देन एमुलेटर रिस्टार्ट हो जाने के बाद अब आप यहाँ पर दोबारा से सेटिंग में चले जाना एंड यहाँ पर डिस्प्ले वाले ऑप्शन में चले जाना। उसके बाद आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो यहाँ पर अपने पीसी के हिसाब से कोई भी एक रेजोल्यूशन रख सकते हो। नाउ पिक्सल डेंसिटी में आपको यहाँ पर 240 DPI सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर फिर से सेव पर क्लिक करना एंड यहाँ से रिस्टार्ट नाउ कर लेना, ताकि यहाँ पर जो है डिस्प्ले वाली सेटिंग भी अप्लाई हो जाए। एंड उसके बाद अब आप यहाँ पर फिर से सेटिंग को ओपन कर लेना एंड यहाँ पर फोन वाले ऑप्शन में आ जाना और यहाँ पर आप जो है ASUS ROG 2 डिवाइस को सेलेक्ट कर लेना। एंड उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपकी सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाएंगी। एंड अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो इसमें फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स गेम को कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिस्टम ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आप जब इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, तो यहाँ पर लॉगिन करने को बोलेगा। तो आप जो यहाँ पर गूगल अकाउंट से इसे लॉगिन कर लेना एंड जैसे ही लॉगिन कर लोगे, तो यहाँ पर जो प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। एंड अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर जो भी गेम डाउनलोड करना चाहते हो, आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फ्री फायर गेम डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर फ्री फायर सर्च कर देता हूँ। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो फ्री फायर मैक्स, एंड अब आप यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके यहाँ से जो फ्री फायर मैक्स गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो है गेम डाउनलोड होने लग जाएगा। एंड अगर आप इसमें नॉर्मल फ्री फायर गेम को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसको कैसे डाउनलोड
डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नॉर्मल फ्री फायर गेम की एपीके फाइल का लिंक दे दूंगा, आप जो सिंपली वहाँ से जाकर के इसे डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड कर लेने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर आपको एपीके का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करना एंड उसके बाद आपने जहाँ पर भी ये फ्री फायर गेम की एपीके फाइल को डाउनलोड किया था आपको सिंपली वहाँ पर इस वाली एपीके फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो एपीके फाइल इंस्टॉल होने लग जाएगा, तो अब आप यहाँ पर वेट कर लेना, यहाँ पर जो एपीके फाइल इंस्टॉल हो रहा है। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फ्री फायर गेम इंस्टॉल हो चुका है। एंड अब आपको सिंपली क्या करना है कि गेम को प्ले करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर गेम को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जो गेम ओपन हो जाएगा, तो चलिए फिर अब मैं आपको जो है यहाँ पर गेम को ओपन करके दिखा देता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है गेम ओपन हो चुका है। तो चलिए फिर जब तक यहाँ पर एक गेम ओपन हो रहा है तब तक अगर आप वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो है फ्री फायर गेम को ओपन कर लिया है। नाउ अब आपको क्या करना है कि गेम को ओपन कर लेने के बाद इसमें की मैपिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग में जाना एंड यहाँ पर कंट्रोल में जाना और यहाँ से कस्टम एचयूडी को ओपन कर लेना। एंड उसके बाद अब आप क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है की मैपिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है कंट्रोल वाला, आपको इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल एडिटर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है की मैपिंग ओपन हो जाएंगी एंड आप जब इसे ओपन करोगे पहली बार तो यहाँ पर जो है स्मार्ट पर सेलेक्ट होगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक की मैपिंग होगी। तो अब आप क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक कंट्रोल शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे स्मार्ट और स्टैंडर्ड। तो आप जो इसे स्टैंडर्ड पर सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पर जो है की मैपिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। एंड अब आप यहाँ पर जैसे मर्जी अपने हिसाब से की मैपिंग रखना चाहते हो आप जो यहाँ पर रख लीजिएगा। एंड यहाँ पर माउस को लॉक अनलॉक करने के लिए आप जो यहाँ पर कोई भी बटन ऐड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल बटन ऐड कर रखा हूँ, तो आप जो यहाँ पर कोई भी बटन ऐड कर लेना ना। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर जो की मैपिंग सेव हो जाएंगी। एंड अब आप इसमें इजीली गेम को प्ले कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी एरर वगैरह या फिर लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।